योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी सरकार का समय भूल गए हैं। जब परिवारवाद, जिसके राज में गुंडागर्दी, वंशवाद, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हो, जो क्षेत्रीयवाद की बात करे, उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर तंज कसा था कि देशवासियों के पेट डाटा से नहीं भोजन से भरेगा, उन्हें भोजन चाहिए, जिसका जवाब आज योगी के मंत्री ने मुरादाबाद में पूछे गए सवाल पर दिया है। वहीं भाजपा द्वारा किए जा रहे दलित भोज पर जब मीडिया कर्मियों ने योगी के मंत्री से सवाल किया तो वो कुछ शक पका गए और कहने लगे कि मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक दलितों की ही तो सरकार चल रही है, भाजपा तो भीमराव जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। प्रदेश सरकार में मंत्री आज मुरादाबाद के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। आज समाज में एक परिवर्तन, उन्होंने सोच बदला है, लोगों की धारणा बदली, सोच बदली है। आज लोग स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, आज विकास नीचे हो रहा है, आज ईमानदारी से किसान सम्मान निधि में 1 रुपया का भ्रष्टाचार उनके अकाउंट में, आप प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड हो, अब उनके घर पानी पहुंचने वाला है, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, और नलों के माध्यम से 24 तक सभी घरों को पानी देने वाले हैं। एक गरीब को खुशहाल रखने के लिए उसको पक्का मकान हो, भोजन फ्री में हो जाए उसका, शौचालय उसके घर में हो, आयुष्मान का कार्ड हो इलाज के लिए, और जल उसके शुद्ध मिल जाए, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसकी तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी। साथ में योग की भी बात होती है, योग करेगा तो बीमारी भी नहीं होगी, इसलिए कहाँ सपा बसपा की बात कर रहे हैं।